वुशु की उत्पत्ति को प्रारंभिक व्यक्ति और कांस्य युग 3000-1200 ईसा पूर्व के दौरान कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए उनके संघर्ष का पता लगाया जा सकता है, या इससे पहले भी एक संघर्ष जिसने जंगली जानवरों और अन्य मनुष्यों दोनों के खिलाफ रक्षा करने के लिए तकनीकों का विकास किया। हथियारों का आवेदन अंततः वुशु के हथियार आधारित तकनीकों की जड़ों को बनाने के लिए आया और शक्ति और तकनीक की प्रतियोगिताएं जैसे जियोदी कुश्ती का एक प्रारंभिक चीनी रूप ने नंगे हाथ लड़ाकू प्रणालियों के विकास को बढ़ाया। युद्धरत राज्यों की अवधि 481 से 221 ईसा पूर्व वुशु के माध्यम से शांग राजवंश लगभग 1556-1046 ईसा पूर्व से वुशु ने विशेष सशस्त्र और निहत्थे युद्ध विधियों को विकसित किया और युद्ध के लिए परिष्कृत हथियार उभरने लगे। इन समय के दौरान वुशु आत्मरक्षा और स्वास्थ्य सुधार के साधन के रूप में आम लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया, साथ ही मनोरंजन, प्राचीन चीनी दर्शन, मशहूर दोनों साहित्यिक और मार्शल आर्ट वेनवू की विविधता का समर्थन किया। तेजी से आगे 495 ईस्वी के लिए जब शाओलिन मंदिर लंबे समय से चीनी वुशु की कुछ शैलियों की कसौटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, भिक्षु बैचो जिनके छात्रों को अपने खाली समय में वुशु प्रकार के अभ्यास का अभ्यास मजा आया के लिए गीत शान माउंटेन पर खड़ा किया गया था। भिक्षुओं की बाद की पीढ़ियों संयुक्त चान जेन और क्वान मार्शल आर्ट क्या मशहूर आज शाओलिन क्वान शेओलिन वुशु के रूप में जाना जाता है। किंग राजवंश 1644 से 1911 ईस्वी के बाद के भाग के दौरान सैन्य हथियारों का उपयोग कम होने लगा क्योंकि सैनिकों के बीच आग्नेयास्त्रों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ गया। वुशु मुख्य रूप से आम लोगों द्वारा अभ्यास किया जाना था और मार्शल तकनीकों और प्रथाओं को आम लोग के बीच लोकप्रिय सैद्धांतिक और दार्शनिक विचारों के साथ जोड़ा जाना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जिंगी क्वान बागुआ झांग और ताइजी क्वान जैसी सैकड़ों शैलियों उभरते हैं। जबकि मुख्य रूप से मार्शल अनुप्रयोगों में निहित है, इन शैलियों भी स्वास्थ्य और नैतिक सिद्धांतों पर महत्व रखा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में शंघाई जिंगबू फिजिकल कल्चर सोसाइटी जैसे संगठनों की स्थापना ने लोकप्रिय खेल के दायरे में वुशु के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। सार्वजनिक प्रदर्शन, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताएं आम हो गई, आगे वुशु के अभ्यास को बढ़ावा दिया। 1923 में चीनी राष्ट्रीय वुशु खेलों का आयोजन शंघाई में किया गया और 1936 में एक चीनी वुशु प्रतिनिधिमंडल ने बर्लिन में आयोजित 11वीं ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन किया। वुशु ने रिपब्लिकन युग के माध्यम से और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद विकसित करना जारी रखा। वुशु प्रतियोगिता प्रारूपों और नियमों को लागू किया गया था और शिक्षण विधियों और सामग्रियों का मानकीकरण किया गया था और 1985 में पहला अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रण वुशु टूर्नामेंट शियान चीन में आयोजित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन IWF के लिए तैयारी समिति का गठन किया गया था। 3 अक्टूबर 1990 को IWF आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया था।